दोस्तों, इस प्रकार से हम हॉट एयर ओवन को रिपेयर कर सकते हैं और हमने इसका आपको टेम्परेचर भी सेट करके दिखाया है। ऐसे ऑन ऑफ करते हैं, इसकी पूरी सेटिंग हमने आपको दिखाई है। नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हॉट एयर ओवन रिपेयर करके दिखाएंगे। ये वायर हैं, देखो उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, हम सब इनको निकाल लेंगे, डिसमेंटल इसको करेंगे और दोबारा से हम इसकी वायरिंग करेंगे। और इसका हीटर ख़राब है, हीटर भी हम इसका ठीक करेंगे। तो दोस्तों, ये हमने ओवन खोल लिया, ये देखिए ग्लास वूल है, यहाँ पर हमें सावधानी के साथ काम करना चाहिए। ये ग्लास वूल खुजली करती है। दोस्तों, ग्लास वूल के नीचे ये देखिए, ये हमारा हीटर लगा हुआ है। हीटर को हम चेक करते हैं कि कहाँ से ये ओपन है, कहाँ से ये जल के टूट गया है। तो दोस्तों, हीटर हमने चेक कर लिया है। हीटर चेक करने के बाद हम ग्लास वूल को दोबारा से यहाँ फिट कर देते हैं, इसको फिर बंद करते हैं। अब आओ हम इसको ऊपर साइड से खोलेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे हमने ग्लास वूल हटाई थी, ऐसे ही ग्लास वूल हीटर के ऊपर लगा दिए। तो ये काम आप सावधानी के साथ करें, क्योंकि ये ग्लास वूल है, बहुत खतरनाक होती है। दोस्तों, अब ये देख लिए हमने, ये टॉप बॉटम दोनों खोले हैं। ये हमारा टॉप वाला है, वो हमारा नीचे का था। तो दोस्तों, ये देखिए इसकी वायरिंग हम निकालेंगे, एक एक चीज़ करके हम इसको निकालेंगे। और इसका यहाँ से ये चैम्बर भी देख लिए, चैम्बर भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी ये हमारी हॉट एयर ओवन है। तो दोस्तों, अब हम इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये मेरा पूरा यहाँ कंट्रोल सिस्टम है। ये हम एक एक वायर यहाँ से निकाल लेते हैं। ये वाला हमारा मेंस है, ये मेंस के निकाल दिए, हीटर के निकाल दिए, फैन के निकाल दिए, और ये थर्मोकपल हमारा है, ये वाला, ये भी हमने इसके वायर निकाल दिए। यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं। यही हमारा टेम्परेचर यहाँ से शो करता है। तो दोस्तों, ये देखिए हमने पूरे वायर निकाल दिए, हम इसकी वायरिंग दूसरे तरीके से करेंगे। तो इसमें जो हमारी प्रॉब्लम थी, वो गर्म नहीं कर रही थी, इसमें सारी प्रॉब्लम हम रिमूव करेंगे और एक एक प्रॉब्लम आपको हम बताते चलेंगे। तो दोस्तों, इसका हमारा हीटर ओपन था, ग्लास वूल हमने निकाली। ग्लास वूल निकालने के बाद हीटर कहाँ से टूटा हुआ था, वहाँ से हमने इसको दोबारा से जोड़ दिया है, पक्का करके इसमें हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। और दोस्तों, इसके कनेक्शन करने के बाद अब ऊपर से खोला है हमने, इसकी यहाँ वायरिंग करनी है। तो हमारी जो ये वायरिंग है, रिले से लेके और हमारी स्विचों तक और टेम्परेचर कंट्रोलर तक, पूरी डैमेज हो रखी है, ये जली हुई है, पिघल गई है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये मेरी रिले है, ट्रांसफार्मर के थ्रू हम रिले ऑपरेट करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोलर से इधर से सिग्नल आता है, तब हमारी रिले ऑन ऑफ होती है। तो दोस्तों, इस सिंपल रिले की जगह हम सॉलिड स्टेट रिले भी लगा सकते हैं, फिर हमें यहाँ ट्रांसफार्मर वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमारी रिले है, इसके कॉन्टैक्ट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसका यहाँ गैप हम कम कर लेते हैं, इसको यहाँ सेटिंग कर लेते हैं। आज तो हम ये वाली ही रिले सिंपल वाली इसमें चलाएंगे, इसी के कनेक्शन करते हैं, इसी के ऊपर चलाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सॉलिड स्टेट रिले भी लगा सकते हैं और उसकी अब वायरिंग कर लेते हैं। ये हमने इसके यहाँ कनेक्शन कर लिए, सोल्डरिंग कर लिए, और ये हमारे स्विच सॉकेट हैं, इनके भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों, ये कैपेसिटर ख़राब था, कैपेसिटर हमने न्यू लगा दिया है। अब हम इसके हीटर के कनेक्शन कर लेते हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर के कनेक्शन कर लेते हैं, ये थर्मोकपल है, इसके कनेक्शन कर लेते हैं। और दोस्तों, ये देखते रहिए आप, ये हमने यहाँ मेंस के कनेक्शन किए, हीटर के कनेक्शन किए। और अब आओ, अब हमको हम आपको ये टेस्ट करा देते हैं। देखिए, ये हमने चला दिया है और हम इसकी यहाँ से टेम्परेचर
कंट्रोलर से सेटिंग कर लेते हैं कि हमें इसमें कितना टेम्परेचर सेट करना है। तो दोस्तों हम इसमें 200 डिग्री टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ हमारे दो स्विच हैं, इंक्रीज और डिक्रीज वाले, इससे हम सेट कर लेते हैं। अब हीटर हमने ऑन ये कर दिया है, तो ये हमारा हीटर ऑन ऑफ का स्विच है। बाकी हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर टेम्परेचर शो करता रहेगा कि इतना कितना टेम्परेचर है। इसमें हीटर के लिए अलग से ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, मेंस का ऑन ऑफ स्विच अलग से लगा हुआ है। तो दोस्तों इस टाइप से आप इसको सेट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।